हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक टीवी। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को आप अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन में, यानी कि ऑनलाइन अपने एंटीवायरस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, आपका कोई सा भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी तक इस चैनल अमित टेक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के और भी नॉलेजबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस आपको दिख रहा हो। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके सिंपल से मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको अपडेट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, उस दौरान आपका इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन इसको अपडेट कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पर अपडेट वाले सेक्शन पर। अपडेट वाले सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जितने भी ऑप्शन हमारे अपडेट से संबंधित होते हैं। फिर यहाँ पर चलिए, हम यहाँ पर अपडेट नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका एंटीवायरस जो है अब डाउनलोड होने की अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक पीली यानी कि ग्रीन सी पट्टी चलेगी पूरी, फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट टाइम लेगा। जितना भी आपका स्पीड होगा इंटरनेट का, अगर फास्ट होगा तो फास्ट होगा, स्लो होगा तो स्लो, यहाँ पर डाउनलोडिंग होगा, समय लग सकता है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो काफ़ी जल्दी आप यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे अपने एंटीवायरस को। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारा एंटीवायरस अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट था, यहाँ पर हमारा जो अपडेट डेट था 4 जनवरी 2020 था। अभी करंट अपडेट जो न्यू फाइल हमारी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है, यानी आज का डेट में जो डाउनलोड हो रहा है वो है न्यू अपडेट डाटा फाइल जो है वो 3 अगस्त 2020 का है, जो कि अभी फ़िलहाल अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फिलहाल हम इसको अपडेट हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। तो फाइनल फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अपडेट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ सिंपल से ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी मेरा अपडेट नहीं हुआ, तो सिंपल से मैं अपनी एंटीवायरस के ऊपर क्लोज करूँगा, फिर दोबारा से ओपन करके यहाँ पर मैं चेक करूँगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं 3 अगस्त तक, जहाँ पर 4 जनवरी था वहाँ पर 3 अगस्त तक मेरा जो एंटीवायरस है वो अपडेट हो चुका है। चलिए मैं अपडेट सेक्शन में भी जा कर देख सकता हूँ। यहाँ पर 3 अगस्त 2020 तक का मेरा एंटीवायरस जो है वो अपडेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर अपने एंटीवायरस को, यानी नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को आप अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ अपडेट होने की जो स्पीड है आपके इंटरनेट के स्पीड पर डिपेंड करेगा। आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी होगी तो काफ़ी कम समय में आप यहाँ पर अपने एंटीवायरस को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर हमको 25 मिनट लगभग लग गए थे अपने एंटीवायरस को फुल अपडेट करने में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका कोई सा भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी तक इस चैनल अमित टेक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके के और भी नॉलेजबल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।